जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग, कैसे हैं घर में सब, ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करती हूँ कि आपके लिए कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर आपके सामने रोज़ आती रहूँ। बस इसी प्रयास से आज मैंने एक और चीज़ बहुत सोची और फिर आपके सामने लाने का प्रयास किया। अक्सर गृहिणियाँ घर के अंदर कुछ गलतियाँ करती रहती हैं, काम का बहुत प्रेशर होता है, बोझ इतना ज़्यादा होता है कि हम उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें याद रहते हुए भी याद नहीं रख पाते। एक अकेली स्त्री क्या क्या याद रखे, घर भी देखे, बच्चे भी देखे, पति भी देखे, ससुराल भी देखे, मायका भी देखे, अपने आप को भी देखे, अपने काम को भी देखे, तो इन सब चीज़ों में वो कहीं ना कहीं भूल जाती है कि मुझसे ये गलती नहीं होनी चाहिए। पर कोई बात नहीं, मैं हूँ ना आपकी सारथी जो आपको ये गलतियाँ कभी करने नहीं दूंगी। इसलिए रोज़ कुछ ना कुछ आपको बताने और आपके 5 से 10 मिनट लेने चली आती हूँ। हालांकि कोशिश यही करती हूँ कि इन 5-10 मिनट में आपको कुछ ऐसा दे दूँ जिससे आपका जीवन सुधर जाए। तो आज भी बस इसी प्रयास को आगे बढ़ाते हुए छोटी छोटी टिप्स आपकी रसोई से आपको देने चली आई हूँ। किचन स्पेशल मैं आज आपको कुछ बताना चाहती हूँ जिसके अंतर्गत आपको अपनी किचन में कभी भी ये गलतियाँ नहीं करनी चाहिए। अगर आप ये गलतियाँ करती हैं तो इससे आपको बहुत भारी नुकसान हो सकता है। जैसे कि किचन में कभी भी बाल खोलकर खाना नहीं बनाना चाहिए। इससे 2 दुष्परिणाम निकलते हैं। पहला, एक तो आपका स्वयं का सूर्य बहुत कमज़ोर होता है और दूसरा, इससे आपके घर में धीरे धीरे नकारात्मकता आने लगती है जिससे आपसी रिश्तों में कलह होने लगती है। अगर आप व्रत का त्यौहार का खाना बनाते हैं तो आपको अपने किचन को गंगा जल छिड़क कर पवित्र ज़रूर करना चाहिए। अब आप मुझसे ये कहेंगे हमने अच्छी से स्लैब साफ़ करी, हमने बढ़िया से अपना चूल्हा साफ़ करा, सारे बर्तन अच्छे से धोए, सब कुछ करा मेरी जान, लेकिन अगर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल देंगे तो पवित्रता बढ़ जाएगी। बहुत कम स्त्रियां ये कार्य करती हैं कि वो अपनी किचन के अंदर गूगल, लोबान या धूपबत्ती जलाएं। बहुत कम करती हैं, जबकि आपको ये कार्य करना चाहिए। इसलिए नहीं कि आपको ये करने से कुछ पॉजिटिव मिलेगा, इसका एक और कारण भी होता है। गूगल, धूपबत्ती या लोबान जलाने से जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना, बड़ी बड़ी मक्खी मच्छर तो भागते ही हैं, लेकिन जो सूक्ष्म कीटाणु होते हैं ना, वो भी आपके किचन से दूर हो जाते हैं और इस वजह से आपका खाना और ज़्यादा हाइजेनिक हो जाता है। आपने अक्सर देखा होगा गोलगप्पे, टिक्की, ऐसी जो दुकानें होती हैं ना, पुरानी जो दुकानें होती थी, आप उनको कभी भी देखिएगा, उनके पास धूपबत्ती ज़रूर जलती रहती है। इस वजह से छोटे छोटे सूक्ष्म कीटाणु, मच्छर ये खाने में नहीं जा पाते और दूर रहते हैं खाने से। बहुत छोटी छोटी बातें होती हैं, अगर हम पकड़ लें तो बहुत इससे हमें लाभ मिलता है। रसोई में गुरुवार के दिन हल्दी का छिड़काव ज़रूर करना चाहिए। इसके भी 2 फायदे हैं, एक तो पॉजिटिविटी बनी रहती है, दूसरा अगर आपके किचन के अंदर कहीं से भी चींटियां आ रही होंगी तो वो भी थम जाता है। तीसरा, आपके किचन में माँ अन्नपूर्णा का वास हमेशा के लिए बना रहता है। किचन में अगर कोई चीज़ बहुत दिनों से रखी हुई है, खराब हो गई है, तो उसको तुरंत प्रभाव से निकाल कर बाहर फेंक दीजिए। किचन में कभी भी आप ये मत करिए कि तेल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है तो हमने उसे पड़ा छोड़ रखा है। अगर आपके कोई डिब्बे खाली हो जाते हैं या तेल बहुत दिनों से रखा हुआ है तो उसे हटा दीजिए और नया तेल भरकर वापस उसे यूज़ करिए। पुराने डिब्बे रखे हैं, चीज़ें खराब हो गई हैं, तो उन्हें तुरंत प्रभाव से हटा दीजिए और उसमें नया स्टॉक रख लीजिए। जितना पुराना और बासी सामान होता जाता है, इनके अंदर राहु का वास होता चला जाता है और जब बासी चीज़ों में राहु का वास होता है तो घर के अंदर आर्थिक स्थितियां खराब होती हैं, घर के लोगों की फिज़िकल स्टेटस बहुत ज़्यादा खराब होने लगता है और सबसे बड़ी बात, उस घर में पति पत्नी के बीच प्यार बिल्कुल नहीं रह जाता। हर समय
किसी ना किसी वजह से तुतु मैं होती रहती है, तो ये गलतियां अब आप नहीं करेंगे ना मेरी जान, बिल्कुल ध्यान रखेंगे। और एक चीज़ और ध्यान रखेंगे, क्या मैं कौन हूँ? मैं आपके एस्ट्रोलॉजर हूँ, वास्तुशास्त्री हूँ, चेहरा भी पढ़ती हूँ, आवाज़ भी पढ़ती हूँ, हाथों की लकीरें भी पढ़ लेती हूँ। चलिए जी, आज मैं आपको ये बताने आई थी कि आपकी किचन के अंदर से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको किसी को उठाकर नहीं देना चाहिए, खास करके बर्तन। सबसे पहली चीज़, आपको अपना बेलन किसी को कभी यूज़ करने के लिए नहीं देना चाहिए। दूसरी चीज़, जिसमें आप अपने घर का मीठा भर के रखते हैं यानी कि चीनी रखते हैं, उस डिब्बे को आप निकाल कर बिल्कुल भी किसी को यूज़ करने मत दीजिए। तीसरी चीज़, जिस के अंदर आप अपने घर में हल्दी रखते हैं, वो पात्र उठाकर आप किसी को मत दीजिए। अगर आपको चीनी देनी है तो थोड़ा सा निकाल कर कटोरी में दे दीजिए, हल्दी देनी है तो थोड़ी सी निकाल कर हल्दी दे दीजिए। ये मत करिए कि आप पूरा का पूरा डिब्बा उठाएं और किसी को पकड़ा दें कि लो जी आपने हल्दी मांगी थी ये लो, आपने चीनी मांगी थी ये लो। इनफैक्ट हम लोग घर में भी ये गलतियाँ कर देते हैं। पंडित जी आते हैं, कहते हैं अरे थोड़ी सी हल्दी दे दो, अच्छा पंडित जी देते हैं, उठा के डिब्बा दे दिया, ये लीजिए पंडित जी। अब आपने जब मंदिर में वो चीज़ दे दी तो फिर वापस से किचन में कैसे लाओगे, वो फिर मंदिर में ही रख दो। इसीलिए हमेशा छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। घर से संध्या के बाद में दूध दही नहीं देना चाहिए। कभी भी किसी को अपने घर से निकाल कर नमक नहीं देना चाहिए। कभी भी अपने घर में रोटी बनाते वक्त अगर कोई आ जाए तो उसको आटे के हाथ से कोई सामान मत पकड़ाइए, पहले हाथ अच्छे से धो लीजिए और उसके बाद ही उसको आप कोई चीज़ पकड़ाइए। छोटी छोटी सी बातें हैं, ध्यान रख लीजिए। ऐसा ध्यान रखने से आपका भी जीवन सुधरेगा और आपके परिवार के सदस्यों का भी जीवन हमेशा सुधरा रहेगा। मैं फिर आऊँगी ना कुछ नया, कुछ अलग, कुछ अद्भुत लेकर। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिएगा, रिश्तों में मजबूती बना के रखिएगा, अपने साथी के साथियों जुड़े रहिएगा, प्यार देते रहिएगा, प्यार लेते रहिएगा, ख्याल रखिएगा अपना और उनका जिनसे आप प्यार करते हैं। मैं जल्द आपसे मिलने आऊँगी, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। सारथी माँ त्रिशला ज्योतिष के क्षेत्र में विश्व विख्यात नाम है। ज्योतिष शास्त्र में PhD माँ त्रिशला पिछले 22 वर्षों से ज्योतिष की सभी परंपरागत विधाओं के साथ साथ अनेक दुर्लभ गुण विधाओं जैसे परछाई एवं नब्ज के अध्ययन से अपनी सटीक भविष्यवाणी और पूर्वानुमान के लिए विख्यात हैं। अपने उपायों द्वारा लाखों लोगों का जीवन संवार चुकी माँ त्रिशला लगातार 2016 से ज्योतिष विभूषण अवार्ड प्राप्त कर रही हैं। साल 2018 में उन्हें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने ज्योतिष विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया था और साल 2016 में उन्हें राजस्थान में बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के अवार्ड से नवाजा जा चुका है।